प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को दी करोड़ रुपए की सौगात, कहा लोक लुभावने उपायों पर आधारित शॉर्ट सर्किट राजनीति देश को कर सकती है बर्बाद। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 162 नए संक्रमितों की पहचान, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। धनबाद जिले के बलियापुर क्षेत्र के प्रधान खंता रेलवे स्टेशन में रेलवे अंडरपास कार्य के दौरान मिट्टी का मलबा गिरने से उसमें दबकर 4 मजदूरों की मौत। और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज, एक माह तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोक लुभावने वायदों पर आधारित शॉर्टकट की राजनीति देश को बर्बाद कर सकती है। देवघर में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनप्रतिनिधियों को शॉर्टकट की राजनीति न अपनाने की सलाह दी। इस दौरान श्री मोदी ने झारखंड को 16,800 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बाबा के चरणों में जाने से पहले रास्ते में जिस उमंग और उत्साह से आप सब आशीर्वाद देने के लिए आए थे, पूरा झारखंड, पूरा देवघर, पूरा मेरा सांथाल परंगना, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। बाबा की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का प्यार जनसैलाब के रूप में उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने प्रिय नेता का जो अभिवादन किया उससे वे पूरी तरह से अभिभूत दिखे। उनकी यात्रा देशवासियों के लिए आंखें खोलने वाली भी साबित हुई, जहां उन्होंने शॉर्टकट की राजनीति से दूर रहने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों को चुनौतियों को जानना और समझना होगा और ये चुनौती शॉर्टकट की राजनीति से है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना। अगर हमें आजादी के 100 वर्ष पर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है तो उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है, और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश में जो राजनीतिक दल हावी रहे उन्होंने बहुत से शॉर्टकट अपनाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के साथ आजाद हुए देश भारत से बहुत आगे निकल गए, हम वही के वही रह गए। आज हमें अपने देश को उस पुरानी गलती से बचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर की यात्रा के दौरान जिन 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया वो पूरे झारखंड के लिए परिवर्तनकारी साबित होंगे। बाबा वैद्यनाथ धाम को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री ने देवघर हवाई अड्डे से पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बने एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। हवाई अड्डे का टर्मिनल भवन सालाना 5 लाख से अधिक यात्रियों को संभालने में सक्षम है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत बैद्यनाथ धाम में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर एम्स, देवघर में इनपेशेंट विभाग और ऑपरेशन थिएटर सेवाओं के साथ ही सड़क परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके साथ ही ऊर्जा अवसंरचना और रेल परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें दी गई। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा
बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। यानी परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। साथियों, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देवघर यात्रा से क्षेत्र को जो सौगात मिली, उससे कनेक्टिविटी, वाणिज्य, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी बढ़ावा मिला है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अभिषेक सिंह, कुमार आलोक और दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य सरकारी कार्यक्रमों गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को मुद्रास्फीति से राहत देने में अहम भूमिका निभाई है। कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य सरकारी कार्यक्रमों ने गरीबों एवं कमजोर तबके को मुद्रास्फीति से राहत देने में अहम भूमिका निभाई है। सीतारमण ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों पर मुद्रास्फीति के असर पर तैयार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसमें भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में दर्शाया गया है जिससे लोगों के महंगाई बढ़ने से गरीब होने की आशंका नगण्य से लेकर कम है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक महंगाई से भारत में रोजाना $1.9 यानी ₹152 खर्च करने वाले गरीबों की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और एक भी व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं हुआ। रोजाना $3.3 यानी ₹264 खर्च करने वाले 0.02% तो रोजाना $5.5 यानी ₹440 खर्च करने वाले 0.04% लोग वैश्विक महंगाई से प्रभावित हुए। हालांकि इस प्रभाव को नगण्य माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति वैश्विक स्तर पर 7.1 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल सकती है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि लक्षित और समयबद्ध नगद हस्तांतरण इन प्रभावों को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी नीति उपकरण है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महामारी की शुरुआत से ही ऐसी लक्षित नीति अपनाई है जिसमें निचले स्तर पर मौजूद लोगों को राशन व नगद अंतरण के रूप में त्वरित एवं अनवरत समर्थन दिया गया है। केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का यह सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। ये सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। तो मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बार का मॉनसून सत्र बेहद खास। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही चुनाव इसी मॉनसून सत्र के दौरान किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर राज्य विधानसभा सचिवालयों को मतपेटियों, मतपत्रों और अन्य चुनाव सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। 12 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैलेट बॉक्स के वितरण और उसकी रवानगी 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चलेगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन मंगलवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने खुद अपनी निगरानी में समस्त चुनाव सामग्री की जानकारी ली और ये सुनिश्चित किया कि इस दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो। राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को संपूर्ण चुनाव सामग्री दिए जाने के समय हवाई यात्रा की टिकट में एक टिकट मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से भी बुक की गई है ताकि सुरक्षा को लेकर कोई कमी न रह पाए। प्रेजिडेंशियल इलेक्शन है, ये सबसे बड़ी पोस्ट है जो हमारे इंडिया की, तो उसके रिगार्डिंग जो जो हमें यहाँ से मटेरियल मिला है, बैलेट बॉक्स है, मार्कर पेन है जो हमने मार्क स्पेशल पर्पल कलर का जो जिसके साथ वोटिंग करनी है MLAs और MPs ने, और इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज है, बैग्स है, स्टील बॉक्स है, वुडन बॉक्स है। तो इसके रिगार्डिंग कमीशन ने इस बार ये स्पेशल किया है कि इसकी जो टिकट है बैलेट बॉक्स की, वो भी बैलेट बॉक्स आपके एयर के साथ ही जाएगा। एज ए पैसेंजर सीट उसकी हमने टिकट बुक करवाई है और बहुत ही बढ़िया इंतजाम है यहाँ, पूरा सिक्योरिटी का इंतजाम है यहाँ से लेकर पूरा एयर इंडिया तक जहाँ से हमारी फ्लाइट है। निर्वाचन सामग्री में बैलेट बॉक्स के अलावा एक विशेष पैन भी दिया जा रहा है जिसका उपयोग चुनाव में अपना मत देते समय किया जाएगा। चुनाव सामग्री को अलग अलग राज्यों में रवानगी से पहले उसे सील किया जा रहा है और सभी राज्यों में ये चुनाव सामग्री 3 दिनों में पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचा दी जाएगी।
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अब उस चरण में पहुंच गई है जब बैलेट बॉक्सेस अलग अलग राज्यों में पहुंचाए जाने शुरू हो गए हैं और संसद भवन में भी अब इन्हें ले जाया जाना शुरू किया जा चुका है। 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच चलने वाली इस प्रक्रिया में अब बैलेट बॉक्स उन लोगों के लिए पहुंचेंगे जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में अहम भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। झारखंड समेत देशभर में पिछले कुछ दिनों से इस कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 16,906 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 15,447 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,32,457 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 162 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 64 लोगों ने कोरोना को हराया है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 800 मामले शेष हैं और रिकवरी रेट 98.59% है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए गाइडलाइन का पालन जरूरी है। विभाग की ओर से लोगों को भी सतर्क रहने को लेकर आग्रह किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 199,12,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अभी अगर बात करें तो टीकाकरण अभियान ने 199,11,00,000 का आंकड़ा पार किया। कल 9,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 12 से 14 साल के बच्चों को 6,30,00,000 से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित लाभार्थियों की पहचान की गई और उन्हें 5,00,000,000 से भी ज्यादा एहतियाती डोज लगाई जा चुकी है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के पहले क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मार्केट ऑथराइजेशन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। और अब बात सर्वाइकल कैंसर की, जिसकी रोकथाम के लिए देश की पहली QHPV वैक्सीन इस साल के आखिर तक लॉन्च हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने ट्वीट कर बताया कि भारत के ड्रग रेगुलेटर DGCI ने वैक्सीन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए तैयार वैक्सीन न सिर्फ आसानी से उपलब्ध हो पाएगी बल्कि किफायती भी होगी। उन्होंने वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए DGCI और स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार जताया। सर्वाइकल कैंसर भारत में 15 से 44 वर्ष की जो आयु वर्ग की महिलाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। हर साल लाखों महिलाएं सर्वाइकल और अन्य कैंसर का शिकार होती हैं। इस बीमारी में मौत का अनुपात बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में ये देश में विकसित पहली क्वाड्रुलेंट ह्यूमन पेपिलोम वायरस वैक्सीन यानी QHPV बहुत मददगार साबित हो सकती है। 15 जून को इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद सरकारी सलाहकार कमेटी NTAGI ने भी मंजूरी की मोहर लगाई। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी भी मिल गई है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बहुत अहम खबर तमाम महिलाओं के लिए। सर्वाइकल कैंसर, जिससे लगातार हमने देखा कि मौत का अनुपात ज्यादा है, लेकिन अब इस वैक्सीन की मंजूरी मिलने से बहुत निजात मिलती है। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी और DIG राजकुमार लकड़ा ने गढ़वा सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान परिसदन में वहाँ के उपायुक्त से अनौपचारिक विचार विमर्श हुआ। उपायुक्त ने उनके द्वारा किए जा रहे कई कार्यों की जानकारी दी गई, जिसमें कि अभी पिछले एक दो दिन में वहाँ पे जो
डिलीवरी के लिए जो एक वहाँ पे कॉकस काम कर रहा है जिसमें कि एएनएम सैया और फर्जी डॉक्टर शामिल हैं, उसका उद्भेदन उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेके कराई है और उस पर उन्होंने कार्रवाई भी की है। यह निश्चित रूप से सराहनीय है। यह इस मानव समाज के लिए बहुत बड़ा धोखा है और इसका उद्भेदन हुआ है तो निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के प्रधानखंता रेलवे स्टेशन के दक्षिण केबिन सिंदरी लाइन के पास रेल अंडर पास कार्य के दौरान कल रात मिट्टी का मलबा गिरने से चार मजदूरों की उसमें दबकर मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल और रेलवे के अन्य अधिकारियों घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान डीआरएम ने कहा कि प्रावधान के तहत मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची एवं बोकारो के प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। बैठक में सभी न्यायाधीश के साथ 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज सवेरे से ही छिटपुट वर्षा का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि आगामी 18 जुलाई तक मौसम के यही हालात बने रहेंगे। आज कल और परसों कुछ जगहों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आसार पूर्णिमा के साथ ही आज से श्रावणी मेले का आगाज हो गया है। देवघर स्थित बाबाधाम मंदिर में कृषि मंत्री बादल और सांसद निशिकांत दुबे ने एक महीने तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन किया। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से श्रावणी मेले पर रोक लगाई गई थी। वहीं इस वर्ष श्रावणी मेले के आयोजन से श्रद्धालुओं में काफी खुशी देखी जा रही है। इधर श्रावणी मेले के आयोजन से देवघर स्थित बाबा मंदिर के पुजारियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। मेला नहीं रहने के कारण हम मध्यम वर्गीय पंडा परिवार और व्यापारी वर्ग छोटे छोटे दुकानदार भूखे मरने की नौबत आ गई थी। वो तो डीसी साहब के द्वारा पंडा समाज को दिया गया राहत सामग्री सामान। श्रावणी मेले के दौरान देवघर स्थित बाबा मंदिर और कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवरियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध राजकीय वासुकीनाथ श्रावणी मेले की भी तैयारी पूरी कर ली गई है और आज शाम मेले का विधिवत उद्घाटन होगा। राजकीय बासुकीनाथ श्रावण मेले को लेकर दुमका जिले का बासुकीनाथ धाम मेला क्षेत्र और बाबा मंदिर सज धज कर तैयार है। आज आसार बांस की पूर्णिमा की शाम मेले का विधिवत उद्घाटन होगा। इसके साथ ही पूरे एक माह तक चलने वाला श्रावणी मेला शुरू हो जाएगा। पंडा समाज से लेकर स्थानीय दुकानदार तक को कांवरियों और शिव भक्तों का इंतजार है। आस्था है लोगों का, तो 2 साल से लोग नहीं आ पाए हैं तो लोगों को लग रहा है कि इस बार मौका मिला तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के बाबा का दर्शन करें और व्यवस्था भी सरकार की तरफ से सुलभ किया जा रहा है। उम्मीद है कि भीड़ हर साल के बनिस्पत ज़्यादा ही भीड़ होगी। 2 साल तो कोरोना के चलते मेला तो लगा नहीं, 2 साल के बाद में हम लोगों को ये मेला लग रहा है। भगवान का बहुत कृपा है, हम लोग घर से लेके बच्चे लोग सभी लोग उत्साहित हैं। बांग्ला पंचांग के मुताबिक हालांकि श्रावण मास आरंभ हो चुका है लिहाजा बंगाल और पूर्वोत्तर के शिव भक्तों का बासुकीनाथ पहुंचना शुरू हो गया है। मेला क्षेत्र में पेड़ा प्रसाद से लेकर अचार श्रृंगार बर्तन पीतल की मूर्तियां शंख रुद्राक्ष माला और अन्य वस्तुओं की दुकानें सज चुकी है। अभी आज अच्छा हो रहा है, हम लोगों का जो दिक्कत थी वह सब पूरा हो रहा है। इस बार बाबा बासुकीनाथ 2019 में लास्ट श्रावणी मेला लगा था, 2 साल के बाद पुनः इस बार प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा तरीके से तैयार चल रही है और
श्रावण मेला इस बार कोविड को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी मेला का अच्छे तरह से व्यवस्था किया गया प्रशासन की ओर से। मेला में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की तैयारी की गई है। इसके लिए मेला क्षेत्र में प्रशासन द्वारा कोविड टीकाकरण कैंप भी लगाया गया है। मंदिर के पंडे भी अपने यजमानों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं। जितने भी भक्त कांवड़िया लोग हैं, जिला प्रशासन की तरफ से झारखंड के हमर सोरेन की ओर से बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण लगातार दो साल तक श्रावणी मेला नहीं लगा था, लिहाजा दो साल बाद मेले के आयोजन से सबों को काफी उम्मीदें हैं। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। इधर खूंटी जिले में स्थित आमरेश्वर धाम भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है और यहां हर साल सावन में बड़ी संख्या में भगवान शिव के भक्त दूर दराज के इलाकों से पहुंचते हैं। खूंटी जिला का अमरेश्वर धाम प्राचीन शिवलिंगों में से एक है। रांची सिमडेगा सड़क मार्ग के किनारे बसे अंगराबारी गांव में स्थित यह एक स्वयंभू शिवलिंग है जो आम के पेड़ के नीचे अवस्थित है, इसलिए इसका नाम अमरेश्वर धाम पड़ा है। भक्तों के लिए सब तरफ से सुविधा है, यहाँ आने से सब तरह से सुविधा है। लेडीज को, कांवर वाला को, चाहे जेंट्स कांवर वाला को, सबके लिए सुविधा है। रहने का धर्मशाला है, सब कुछ है। अमरेश्वर धाम के प्राचीन इतिहास को जानकर सत्यजीत कुंडू के अनुसार एक बस मालिक को सपने में इस महादेव की जगह का ज्ञान हुआ। उसके बाद यही झाड़ियों को साफ कराया गया जो उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग नजर आने लगा। फिर क्या था, बाबा भोले की महिमा से खराब सड़क की वजह से सप्ताह में पहुंचने वाली गाड़ी एक ही दिन में रांची से सिमडेगा और सिमडेगा से रांची पहुंचने लगी। इस चमत्कार को देखकर लोगों में आस्था जागृत हुई और लोग पूजा पाठ करने लगे। आज तक ये मान्यता है कि जो भी वाहन इस सड़क से गुजरती है वह मंदिर में शीश झुकाकर ही आगे बढ़ते हैं। रात में उनको स्वप्न मिला कि भाई जहाँ पे तुमने जो किया है, लघु शंका किया है, वहाँ पे आप जाके देखो, वहाँ पे हम हैं। नेक्स्ट डे वो आकर के देखते हैं, आम गाछ के नीचे शिवलिंग था। फिर वो अपने स्तर से सर सफाई करने के बाद में उसका विधिवत पूजा प्रारंभ किया। उनके पूजा करने के पहले यहाँ गांव के ग्रामीण प्लस मुंडा पहान लोग पूजा पाठ करते आ रहे थे, लेकिन वो पहले शख्स थे जो बाहर से आकर के यहाँ पे पूजा किए थे। उन्होंने बताया कि पूर्व में मुंडा पहान भी यहां खेती बाड़ी से पूर्व पूजा पाठ किया करते थे। धीरे धीरे इस जगह पर मंदिर निर्माण हुआ, लेकिन वृक्ष को क्षति नहीं पहुंचाई गई। आम के पेड़ को चारों तरफ से घेराबंदी कर चबूतरा बनाया गया और शिवलिंग को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। अमरेश्वर धाम में शिवलिंग के बगल में ही माता पार्वती का मंदिर निर्माण कराया गया है। इस परिसर में कुल 8 मंदिर अवस्थित है और सारे मंदिर का निर्माण भक्तों द्वारा करवाया गया है। अब अमरेश्वर धाम जो है ये स्थापित किए हुए नहीं है, ये स्वयंभू है। स्वयंभू इसलिए कि ये खुद से निकले हुए हैं और लोगों का यहाँ की आस्था बहुत प्राचीन से है। ये बहुत पुराने स्वयंभू महादेव जी हैं। बाबा अमरेश्वर धाम में जो भी भक्त आते हैं और सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, उनको कभी निराशा नहीं होती। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत बढ़िया मंदिर, बहुत अच्छा लगा। पूजा करेंगे तब बता सकते हैं। पहले जब हम आए थे तो इतना मंदिर नहीं बना हुआ था और अभी यहाँ आए हैं तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, भव्य लग रहा है एकदम। हम लोग घूमने के लिए आए हैं भैया के साथ, भैया भाभी के साथ। सड़क मार्ग से सटे हुए होते हुए भी इस मंदिर परिसर में एक अजीब सी शांति की अनुभूति होती है, जिस वजह से भक्त बार बार यहां आना पसंद करते हैं। पूजा वगैरह करते हैं, बस जो आस्था लेकर आते हैं वही। मेला बहुत बड़ा लगता है, यहां भीड़ भाड़ होता है। लगातार 2 वर्षों से कोविड को लेकर मंदिर परिसर में भगवान के दर्शन आम लोगों के लिए निषेध किए गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि भारी संख्या में शिव भक्त बाबा अमरेश्वर धाम पहुंचेंगे और बाबा का जलाभिषेक करेंगे। सावन के पावन माह में भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ऐसा संभावना है कि काफी श्रद्धालुओं के यहाँ आने की संभावना है, उसके लिए जिला प्रशासन एकदम मुस्तैद रूप से सारी तैयारियां में जुटी हुई है। उसके लिए उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोगों को मीटिंग करके काफी निर्देश दिए गए हैं कि हर तरीके के चौक चौबंद सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से, श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिकोण से काफी तैयारियां
हमारे इस अमरेश्वर धाम पूजा समिति के। बाबा अमरेश्वर धाम में मंदिर परिसर की सजावट और रख रखाव भक्तों के चढ़ावे से होता है। हालांकि विगत दो वर्षों में पर्यटन विभाग के द्वारा सौंदर्यकरण का काम कराया गया है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के द्विवेदी की अदालत ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को नोटिस जारी किया है। साहेबगंज टोल के टेंडर विवाद की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले में एक बार फिर सीबीआई की टीम साहेबगंज पहुंची। इस दौरान टीम ने पुलिस विभाग से रूपा तिर्की के साहेबगंज में पदस्थापन, स्थानीय स्तर पर तबादले, छुट्टी और ज्वाइनिंग से जुड़ी जानकारी इकट्ठी की। रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा से शांति समिति, साझा मंच, झारखंड फुटपाथ संघ, अंजुमन इस्लामिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की। मौके पर कमेटी के लोगों ने समाज में सौहार्द्र, एकता, भाईचारगी की बनाए रखने के लिए पहल करने की अपील की। रांची जिले के नरकोपी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने, गाली गलौज करने और मारपीट करने के मामले में नाबालिग सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से दो बाइक और दो मोबाइल फोन बरामद किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साहेबगंज जिले के बरहरवा स्थित उनके घर में अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए शहर के सूर्या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। धनबाद रेलमंडल क्षेत्र के प्रधान खंता स्टेशन के समीप अंडरपास के धंसने से छह मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से चार की मौत हो गई जबकि दो मजदूरों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया गया। हादसे के बाद डीआरएम के निर्देश पर तत्काल रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने विधि शाखा से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उच्च न्यायालय एवं उपायुक्त न्यायालय में न्यायालयवाद और काउंटर एफिडेविट फाइलिंग की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने उच्च न्यायालय में लंबित 307 काउंटर एफिडेविट फाइलिंग की समीक्षा की। केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान ने झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के सहयोग से रांची के सर्ड स्थित हेहल कैंपस में डायन प्रथा पर आधारित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में महिलाओं के शरीर पर मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव तथा लोगों के दैनिक जीवन पर चिंता के प्रभावों पर चर्चा की गई। रांची के सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने एक महिला की जटिल ऑपरेशन कर जान बचा ली। डॉक्टरों की टीम ने रांची जिले के तुपुदाना निवासी एक महिला के पेट पर सफल ऑपरेशन कर 5 किलो का ट्यूमर निकाला। आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इस ऑपरेशन में अस्पताल के सर्जरी और महिला विभाग के डॉक्टरों ने अहम भूमिका निभाई। राज्य सरकार ने चाईबासा स्थित सोनुआ प्रखंड की 6 युवतियों की तमिलनाडु से सुरक्षित वापसी कराई है। ये सभी युवतियां बन्नारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड तमिलनाडु में धागा बनाने का काम करने गई थी। इस कार्य में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन सेंटर चाईबासा एवं राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जेएससीए स्टेडियम में जेएससीए टूर्नामेंट कमेटी ने अंडर 16, अंडर 19 और सीनियर टीम के मैचों के संबंध में अहम निर्णय लिया है। अब अंडर 16 के सेमीफाइनल मैच 2 दिवसीय होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को दी करोड़ों रुपए की सौगात। का लोक विभाग ने रूपालों पर आधारित शॉर्टकट राजनीति देश को कर सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 162 नए संक्रमितों की पहचान। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया निर्देश। धनबाद जिले के बलियापुर क्षेत्र के प्रधान खंता रेलवे स्टेशन में रेलवे अंडरपास कार्य के दौरान मिट्टी का मलबा गिरने से उस पर दबकर 4 मजदूरों की मौत।